क्रिकेट में कैच छूटते हैं, प्रेम में भी कैच छूटते हैं, कैसे छूटता है मैं चार पंक्तियां बताना चाहता हूँ। क्या खूबसूरत सी लड़की चली आ रही थी, मेरे दिल की धड़कन बढ़ी जा रही थी, ज्यों ही वो लड़की पास में आई, तिरछी सी नजरें मुझसे मिलाई, मैंने भी नजरें उस पर टिका दी, बाई आँख खुद मैंने थोड़ी दबा दी, बाई आँख खुद मैंने थोड़ी दबा दी, पहले वो लड़की जरा मुस्कुराई, फिर मेरे पास आई, बोली आपने जो आँख मारी है सच बताइएगा जानबूझ कर किया है या बीमारी है। हाँ। सच बताइएगा जानबूझ कर किया है या बीमारी है। मैं डर गया, मैं बीमारी बता गया, यह सुनकर लड़की को बड़ा दुख हुआ, मैंने पूछ ही लिया आखिर क्या हुआ, लड़की बोली इस तरह जो आँख मारता है ये बेचारा दिल उसी पर आ जाता है, और जब हम दिल की बात ओंठों पर लाते हैं लोग आपकी तरह बीमारी का बहाना बताते हैं। वाह, वाह। लोग आपकी तरह बीमारी का बहाना बताते हैं, यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, मेरा दिल ही टूट गया, कसम से देखिए कैच हाथ में आया और छूट गया। तो इस तरह से कैच छूटते हैं। मैं एक ऐसे प्रश्न का उत्तर बताना चाहता हूँ, सामने शिक्षक बैठे हुए हैं, तो तब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये एक व्यंग छड़िका रखना चाहता हूँ जिसका सवाल पूरे देश के किसी राजनेता ने नहीं दिया। अच्छा। तो मैंने दिया, जिसका जवाब, उसका जवाब दिया, उस प्रश्न का जवाब मैंने दिया। कहा जाता है कि नेता जीत जाते हैं तो 5 साल तक दिखाई नहीं पड़ते, गायब हो जाते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं ये मैं ढूंढ करके लाया हूँ। हाँ मुकुल। हमने नेताजी से पूछा, महोदय हम एक बात समझ नहीं पाते हैं कि आप चुनाव जीतने के बाद 5 साल के लिए जनता से कट क्यों जाते हैं। क्या बात, आज चुनाव जीतने के बाद 5 साल के लिए जनता से कट क्यों जाते हैं। नेताजी बोले कमाल है, कितना आसान सवाल है कि जब कोई व्यक्ति जनता से कटकर जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, यह परिभाषा है, आज भी यही है, भले इसमें ऑफ की स्पेलिंग बदल करके OF से OFF हो गई, फॉर की स्पेलिंग FOR से बदल करके FAR हो गई, अब बाय की स्पेलिंग BY से बदल करके BUY हो गई। तब कहना चाहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति जनता से कटकर जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का तथा कथित भक्त हो जाता है, तो वो दिल, दिमाग, आत्मा, शरीर और चरित्र 5 भागों में विभक्त हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है। तब वो दिल, दिमाग, आत्मा, शरीर और चरित्र 5 भागों में विभक्त हो जाता है। दिल कुर्सी में लटकता है, दिल कुर्सी में लटकता है, दिमाग कुर्सी को बचाने में भटकता है, आत्मा तिजोरी में बस जाती है, और ये काया राजनीति रूपी मेनका में किसी विश्वामित्र की तरह फंस जाती है। और ये काया राजनीति रूपी मेनका में किसी विश्वामित्र की तरह फंस जाती है। 5वां तत्व तो चरित्र है, इसकी तो लीला ही विचित्र है। 5वां तत्व चरित्र है ब्रजेश जी, इसकी तो लीला ही विचित्र है। अंधेरा कायम रखने के लिए किसी सूरज की तरह अस्त हो जाता है, और मौका देखते ही किसी आत्मघाती दस्ते की तरह हमेशा के लिए ध्वस्त हो जाता है। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया मुकुल। और मौका देखते ही किसी आत्मघाती दस्ते की तरह हमेशा के लिए ध्वस्त हो जाता है, और हम नेता लोग अपने इन्हीं 5 तत्वों में तल्लीन रहते हैं, जनता से इसीलिए नहीं मिल पाते क्योंकि जिंदा रहते हुए भी अपने इन्हीं 5 तत्वों में विलीन रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह मुकुल वाह। चले जी, तो राजनीति को देखते हुए जी हमारे भी मन में आया कि हम भी चुनाव लड़े। अच्छा। सामान्य टाइप के आदमी हैं। हाँ, सामान्य टाइप के। अच्छा। हाँ, और राजनीति में कोई सामान्य लोग तो आते नहीं, असामान्य लोग ही आते हैं जी, नॉर्मल तो आता नहीं। तब मैंने भगवान की तपस्या की, मुझे टिकट ही कोई पार्टी नहीं दे रही थी, तो मैंने भगवान की तपस्या की तो वही टिकट दिला सकते हैं। तो देखिए क्या हुआ, स्पिन यहाँ भी चलती है क्रिकेट में, और स्पिन भगवान के भी यहाँ चलती है जी। हमारे हम तपस्या में लग गए, हमारी तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान, हमारी तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान, बोले क्या चाहिए मुकुल महान, बोले क्या चाहिए मुकुल महान, हमने प्रभु आप भगवान हैं, अल्लाह हैं, गॉड हैं, लेकिन हमारी परिस्थितियाँ थोड़ी ऑड हैं। ऑड हैं। हाँ। लेकिन हमारी परिस्थितियाँ थोड़ी ऑड हैं। भगवान बोले ये गोल गोल मत घुमाओ, कोई अतृप्त इच्छा हो तो बताओ। अतृप्त इच्छा, कोई अतृप्त इच्छा हो तो बताओ। हमने कहा भगवान मेरी भी बंद किस्मत के दरवाजे खोल दो, इस बार मुझे भी टिकट मिल जाए। एव मस्त बोल दो। भगवान बोले वत्स कलयुग घनघोर है,
भगवान बोले वत्स कलयुग घनघोर है और इस समय मेरा एवमस्त भी अपेक्षाकृत कमजोर है। अच्छा, इस समय मेरा एवमस्त भी अपेक्षाकृत कमजोर है, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी करना हमारा राष्ट्र धर्म है, भगवान का भी राष्ट्र धर्म। हाँ। जा, तेरा थर्ड एसी का टिकट छपरा मेल से कन्फर्म। छपरा मेल से कन्फर्म है, भगवान ने भी तो स्पिन डाली है। स्पिन डाल दे तो सामान्य आदमी इसीलिए राजनीति में आ नहीं पाता। और चलते चलते एक आखिरी क्षण का एक उल्लू के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश पूरे देश को देना चाहता हूँ। उल्लू के माध्यम से? उल्लू बहुत अच्छा आदमी होता है, बहुत अच्छा प्राणी होता है। पहली बार सुना, उल्लू बहुत अच्छा आदमी होता है। आज तक हमने ये सुना था कि आदमी उल्लू होता है, पर ये पहली बार सुना कि उल्लू अच्छा आदमी होता। वाह मुकुल, महान, ये कई महानता की बात। देखिए, मैं उल्लू के शैलेश जी बहुत पूजा करता हूँ, क्योंकि लक्ष्मी जी की लक्ष्मी जी का वाहन है और उसी से लक्ष्मी आती हैं, तो इसलिए उल्लू को भी प्रणाम है, माँ लक्ष्मी को भी प्रणाम है। एक भारतीय उल्लू को अखबार में निकला कि उल्लू को लकवा मर गया। मैंने पढ़ा, लकवा को हिंदी में पैरालिसिस कहते हैं। बहुत अच्छे, थोड़ा कठिन शब्द है तो मैं बता देता हूँ। बहुत बढ़िया। तो अखबार में पढ़ा कि उल्लू को लकवा मार गया, तो उसके आगे क्या हुआ मैं बताता हूँ। हाँ। कि एक भारतीय उल्लू को लकवा मार गया। अच्छा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है शैलेश जी कि उल्लू भारतीय है और उल्लू भारत में ही होते हैं, विदेशों में आउल होते हैं। तो एक भारतीय उल्लू को लकवा मार गया, टेढ़ा होते होते यमलोक सिधार गया। टेढ़ा होते होते यमलोक सिधार गया, यमराज ने उल्लू का खाता उठाया। अकाउंट सेक्शन सबका हिसाब पापू ने लिखा रहता है। यमराज ने उल्लू का खाता उठाया, काफी देर तक जोड़ा घटाया, फिर यमदूतों को आवाज लगाई, ये गलत उल्लू कहाँ से उठा लाए भाई, तुम्हें नहीं कह रहा हूँ। जाता है तो मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि होने में और दिखने में अंतर होता है। फिर यमदूतों को आवाज लगाई, ये गलत उल्लू कहाँ से उठा लाए भाई, फौरन इसका लकवा हटाओ, सीधा करके इसे वापस इंडिया पहुँचाओ, सीधा करके इसे वापस इंडिया पहुँचाओ। यमदूत बोले, हुजूर लकवा तो हट जाएगा पर टेढ़ापन तो जाते जाते जाएगा, हमारे देश में कोई काम होते होते होता है पर टेढ़ापन तो जाते जाते जाएगा। ये सुनकर उल्लू बोला, हुजूर चिंता मत कीजिए, मुझे तो बस जाने की आज्ञा दीजिए। अरे माना, हमारा देश ओलंपिक में फेल है। अब कुछ आने लगे हैं। माना हमारा देश ओलंपिक में फेल है, पर उल्लू सीधा करना हमारे यहाँ बाएं हाथ का खेल है। बहुत बढ़िया,